टेक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं CA सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई नया अपडेट डालें आपके पास इमीडिएटली यह अपडेट पहुंच जाए। इस GST न्यूज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यदि GST की कॉम्पोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लिया जाता है तो इफेक्टिव डेट क्या होगी। इसके लिए CBIC ने सर्कुलर नंबर 77/51/2018 GST इशू किया है ऑन 31 December 2018। इस केस में CBIC ने देखा कि यदि किसी व्यक्ति की कॉम्पोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर लिया जाता है तो उसे सेक्शन 9 के अंतर्गत नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पर टैक्स पे करना होता है उस डेट से जब वह कॉम्पोजिशन स्कीम की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है और उसे नॉर्मल टैक्स पेयर के तौर पर हर टैक्सेबल सप्लाई के लिए टैक्स इनवॉइस को इशू करना होता है। CBIC ने कहा है कि यहाँ पे दो केस हो सकते हैं। पहला केस वो जहाँ पे कि कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर के द्वारा विड्रॉ की जाती है तो इफेक्टिव डेट क्या होगी। दूसरा केस वो हो सकता है जहाँ पे कि कॉम्पोजिशन स्कीम टैक्स पेयर को डिनाई कर दी जाती है टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा तो इफेक्टिव डेट क्या होगी। यहाँ पे CBIC ने क्लैरिफाई किया है कि यदि कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर विड्रॉल के लिए अप्लाई करता है कॉम्पोजिशन स्कीम की तो उसे क्या करना है। इस केस में कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर को एप्लीकेशन फाइल करनी है विड्रॉल के लिए GST CMP 04 फॉर्मेट में। यह एप्लीकेशन कॉमन पोर्टल पर फाइल की जाएगी। जैसे ही इवेंट अक्कर हो जाता है यानी कि वह कॉम्पोजिशन स्कीम को विड्रॉ करना चाहता है और रेगुलर स्कीम में आना चाहता है तो उसके 7 दिन के अंदर उसे यह एप्लीकेशन फाइल करनी है। इस केस में जो इफेक्टिव डेट होगी वह डेट होगी जो कि टैक्स पेयर अपने एप्लीकेशन में मेंशन करेगा GST CMP 04 फॉर्मेट में जो फाइल करेगा और यह फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने से पहले की डेट नहीं हो सकती है। यदि किसी भी स्टेज पर ऐसा पता लगता है कि टैक्स पेयर ने GST एक्ट की प्रोविज़न को कम्प्लाई नहीं किया है तो उससे टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी की रिकवरी की जा सकती है। दूसरा केस वो हो सकता है जहाँ पे कि टैक्स अथॉरिटीज़ टैक्स पेयर को कॉम्पोजिशन स्कीम को डिनाई कर देती हैं बैक डेट से यानी कि रेट्रोस्पेक्टिवली। इस केस में टैक्स अथॉरिटीज़ यानी कि GST ऑफिसर के पास रीजंस टू बिलीव होने चाहिए कि व्यक्ति ने GST एक्ट और रूल्स की प्रोविज़न को कम्प्लाई नहीं किया है। इसके लिए वह नोटिस इशू करेगा GST CMP 05 फॉर्मेट में। जैसे ये नोटिस इशू किया जाता है तो टैक्स पेयर को रिप्लाई फाइल करनी होती है इस केस में GST CMP 06 फॉर्मेट में। और जब ये रिप्लाई फाइल कर दी जाती है तो उसके 30 डेज के अंदर ऑर्डर इशू करना होता है GST CMP 07 फॉर्मेट में, जिसमें कि GST ऑफिसर या तो रिप्लाई को एक्सेप्ट कर लेता है या फिर कॉम्पोजिशन स्कीम की जो ऑप्शन एक्सरसाइज की है उसे डिनाई कर सकता है जिस दिन यह स्कीम ऑप्ट की गई है उस डेट से भी, या फिर जिस दिन GST एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेंट किया गया है उस डेट से भी डिनाई किया जा सकता है। यदि टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा कॉम्पोजिशन स्कीम को डिनाई किया जाता है तो इफेक्टिव डेट वह होगी जो कि टैक्स अथॉरिटीज़ के द्वारा डिटरमिन की जाएगी या रेट्रोस्पेक्टिव डेट भी हो सकती है, लेकिन यह उस डेट से पहले नहीं हो सकती है जब GST एक्ट और रूल की प्रोविज़न को कम्प्लाई नहीं किया गया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम को 1 अप्रैल 2018 से अडॉप्ट करता है और उसके बाद वह जो कॉम्पोजिशन स्कीम की प्रोविजंस है उसे कॉन्ट्रावेंट करता है यानी कि कॉम्प्लाई नहीं करता है। मान लीजिए वो इंटरेस्ट रेट सप्लाई कर देता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2018 तो उस केस में जो कॉम्पोजिशन स्कीम की विड्रॉल है वो 1 अक्टूबर 2018 या फिर उसके बाद ही की जा सकती है, 1 अप्रैल 2018 से नहीं की जा सकती। यदि कोई व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम की जो प्रोविज़न है उनको अप्लाई नहीं करता है तो उसके ऊपर सेक्शन 73 और सेक्शन 74 के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है यानी कि जो टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी का अमाउंट है वो रिकवर किया जा सकता है। यह रिकवरी जिस दिन उसने कॉम्पोजिशन स्कीम की प्रोविज़न को कॉन्ट्रावेंट किया है उस दिन से लेकर जिस दिन ऑर्डर इशू किया गया है उस दिन तक की जा सकती है। यदि GST एक्ट के अंतर्गत व्यक्ति कॉम्पोजिशन स्कीम को विड्रॉ कर देता है और रेगुलर स्कीम के अंतर्गत आ जाता है तो उसे रेगुलर स्कीम के अंतर्गत टैक्स पे करना होता है जिस दिन उसे ऑर्डर इशू हो जाता है उस दिन से लेकर। इसके अलावा जब ऑर्डर इशू हो जाता है तो उससे एक दिन पहले उसके पास जो भी स्टॉक पड़ा है इनपुट्स का सेमी फिनिश गुड्स का उसके ऊपर वह इनपुट एस क्रेडिट क्लेम कर सकता है एज पर सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज सी ऑफ CGST एक्ट। यह सेक्शन 18 सबसेक्शन 1 क्लोज सी जिसे कि आप अपनी स्क्रीन पर रेफर कर सकते हैं। आज की GST की न्यूज़ आपकी
आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं।